गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू TSN द स्कूल। टुडे वी विल रीड एंड अंडरस्टैंड क्लास फर्स्ट इंग्लिश ग्रामर चैप्टर नंबर 5 नाउंस। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें पता होना चाहिए नाउंस मीन्स होता क्या है। हिंदी में नाउन मीन्स होता है संज्ञा। स्टूडेंट्स ये आपके लिए न्यू कॉन्सेप्ट है, तो आप थोड़ा ध्यान लगा के समझिएगा और इस वीडियो को एक दो बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्लियरली। ऑलराइट, नाउन्स मीन्स होती हैं संज्ञा। और इंग्लिश में हम इसकी डेफिनेशन देखें तो अ नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस एनिमल और अ थिंग। कि नाउन क्या है या संज्ञा क्या है, किसी भी पर्सन यानी व्यक्ति का नाम, प्लेस यानी जगह, एनिमल मीन्स जानवर और अ थिंग कोई भी सामान वस्तु या कोई चीज़, उसके नाम को हम क्या बोलते हैं, ये नाम क्या होते हैं, संज्ञा। पर्सन व्यक्ति, इसमें स्टूडेंट्स गर्ल्स बॉयज मैन वुमेन यानी इंसान आता है व्यक्ति में, ठीक है। प्लेस, प्लेस में जगह, लाइक आपका हाउस स्कूल, आप जिस सिटी में रहते हैं, लाइक हम जैसे अजमेर में रहते हैं अजमेर, तो ये प्लेस है, जगह है। जो पार्क, ये जो भी जगह है, ये किसका नाम हुआ, नाउन का। एनिमल, एनिमल आप सभी जानते हैं, एग्जांपल कैट काउ डॉग एलिफेंट लायन एट्सेट्रा। और थिंग, कोई भी सामान, जैसे कि मैंने आपको बताया, देखिए जैसे आपकी वाटर बॉटल हुई, आपका बैग चेयर फैन टेबल एट्सेट्रा, ना कोई भी सामान, फ्रूट आपका जैसे एप्पल मैंगो बनाना, ये सभी थिंग में आते हैं, ठीक है। अब डिटेल में देखते हैं आपके चैप्टर में। All the names are noun, कि सभी जो नाम होते हैं वो क्या होते हैं, संज्ञा होते हैं। फर्स्ट आपका दे रखा है look at the pictures and words, आपको पिक्चर्स देखनी है और वर्ड्स को देखना है। देखिए फर्स्ट पिक्चर आपको किसकी दिखा रखी है स्टूडेंट्स, गर्ल एक लड़की की। सेकेंड किंग, किंग मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, राजा। डॉक्टर जो कि हमारा ट्रीटमेंट करता है ना, जब भी हम कभी सिकनेस फील होती है हमें, तो हम किससे ट्रीटमेंट करवाने जाते हैं, डॉक्टर से। नेक्स्ट फार्मर, जो कि हमारे लिए क्रॉप्स को ग्रो करता है ना, तभी तो हमें खाना मिलता है, जो खेतों में काम करते हैं हमारे लिए फार्मर यानी किसान। नेक्स्ट पिक्चर है टीचर, यानी कि जो आपको पढ़ाते हैं। ऑल दीज आर द नेम ऑफ पर्सन, ये सभी नेम देखिए, गर्ल किंग डॉक्टर फार्मर टीचर, किसके नेम है स्टूडेंट्स, पर्सन के, इंसानों के नाम है ना। और अभी क्या बताया था कि सभी जो नाम है वो क्या है, नाउन्स हैं, तो उसमें बताया था पर्सन भी बताया था, काउंट किया था हमने। तो फर्स्ट आपको एग्जांपल किसके मिले, पर्सन के, चाहे गर्ल दिखा दी आपको इसमें, अब किंग दिखाया, मैन में आ गया है ना, टीचर मैन है, तो बॉय मैन गर्ल जो भी है वो क्या हुए, नाउन हुए, क्योंकि ये पर्सन है। ऑल दीज आर द नेम ऑफ पर्सन्स, ये पर्सन्स के नेम हैं। सच नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन्स, और इस तरीके से जो ये नेमिंग वर्ड है वो क्या कहलाते हैं, नाउंस यानी संज्ञा। बी लुक एट द पिक्चर्स एंड द वर्ड्स, अब आपको ये पिक्चर्स देखनी है और वर्ड्स भी देखने हैं। देखिए पिक्चर्स के थ्रू आप इजीली रिकॉग्नाइज कर पाते हैं स्टूडेंट्स, है ना। फर्स्ट पिक्चर आपको किसके दिखा रखी है, शीप। शीप मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, भेड़। नेक्स्ट डॉग। नेक्स्ट गॉट, गॉट आप सभी जानते हैं, गॉट मीन्स बकरी। टाइगर देन एलिफेंट, ये सभी क्या है स्टूडेंट्स, ऑल दीज आर द नेम ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स के नेम है ना, जानवरों के नाम है। सच नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन्स, तो ये सभी नाम भी क्या कहलाते हैं, नाउन संज्ञा। तो आपको देखिए एग्जांपल दी है ना, ये पर्सन के दिखा दिए, एनिमल्स के दिखाए आपको। नेक्स्ट है लुक एट द पिक्चर्स एंड द वर्ड्स, अब आपको दूसरी पिक्चर्स दिखा रखी है और साथ में उनके वर्ड्स भी हैं। देखते हैं अपन कौन कौन सी पिक्चर्स हैं। फर्स्ट कार, बुक, मैंगो, कोट, फ्रॉक, All these are the names of things. ये सभी सामानों के नाम हैं, वस्तुओं के नाम हैं, कोई भी चीज़ के नाम है ना। Such naming words are called noun. तो ये भी जो naming words हैं ये क्या कहलाते हैं, ये सब noun. Alright? D आपको दिया है look at the pictures and words. अब देखिए अभी आपने देखे थे person देखे, animals देखे थे students, then आपने thing देखा, अभी last में दिखा रखी है pictures, इनको देखते हैं। फर्स्ट आपको पिक्चर स्टूडेंट्स दिखा रखी है टेम्पल, टेम्पल मंदिर, एक जगह होती है ना टेम्पल,
जहाँ पर वर्शिप के लिए जाते हैं, नेक्स्ट रोड, देन क्लासरूम जहाँ पर कि आप पढ़ते हैं, चर्च, क्रिश्चियंस लोग वर्शिप के लिए जाते हैं, किचन, ये आपका फूड कॉर्नर होता है स्टूडेंट्स, है ना। ऑल दीज आर द नेम्स ऑफ प्लेसेस, ये सभी प्लेसेस के नेम हैं, जगहों के नाम है ना। सच नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन्स, तो ये सभी नेम क्या कहलाते हैं, नाउन। तो स्टूडेंट्स आपने इस चैप्टर में क्या देखा कि पर्सन के नेम, एनिमल के नेम, थिंग्स नेम एंड प्लेसेस नेम, ये क्या होते हैं, नाउन्स। ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन, आपको ये लर्न रखना है। और कौन कौन से बता दिए, पर्सन, प्लेस एंड एनिमल एंड थिंग, ऑल राइट। तो आपका यही चैप्टर है आपका नाउन में। अभी स्टूडेंट आपके जो सिलेबस में इतना ही है, आपको यही समझना है नाउन क्या होती है। ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन, तो कौन कौन से नेमिंग वर्ड बता दिए आपको, पर्सन बताए इसमें, प्लेस बताए, एनिमल बताए एंड थिंग बताए, ऑल राइट। नाउ बैक एक्सरसाइज टाइम, फर्स्ट क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, टिक द राइट ऑप्शन। इसमें फर्स्ट है आपका, योर नेम इज ऑल्सो अ डैश ए नेम, बी नाउन, सी प्लेस। आपका नेम जो है वो भी क्या है, एक नाउन। आंसर बी इज नाउन, इस पर टिक मार्क करेंगे स्टूडेंट्स। सेकेंड, डैश वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन्स, कौन से वर्ड्स नाउन कहलाते हैं, ए नेमिंग, बी कैपिटल, सी स्मॉल। राइट आंसर इज ए नेमिंग वर्ड्स, बताए थे ना आपको नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन्स, ऑल राइट स्टूडेंट्स। नाउ क्वेश्चन बी, एनसर्कल द वर्ड्स इन ईच लाइन विच इज़ नॉट नाउन। देखिए इसके लिए बहुत ही अच्छा सा है कि आपको ये लर्न होना चाहिए कि नाउन क्या है। आपको मैंने फोर वर्ड्स बताए थे, आपको फोर ही ऑप्शन दे रखे हैं, आपको उनमें देखना है कि वो वर्ड जो ये दे रखे हैं आपके उस कैटेगरी में आ रहे हैं या नहीं। देख अब मैं आपको इसको सॉल्व करना बताती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ। फर्स्ट एप्पल, एप्पल क्या है स्टूडेंट, एक फ्रूट है, फ्रूट किस में आता है, थिंग में। नेक्स्ट कैट, कैट क्या है, एनिमल, एनिमल का तो एक अलग ही कैटेगरी है ना। नेक्स्ट राइट, राइट किसी में भी नहीं आता, ना तो ये पर्सन है, ना एनिमल है, ना थिंग है, ना प्लेस है। और लास्ट वर्ड है मदर, मदर कौन है, विमेन है, और विमेन किस में आती है स्टूडेंट, मैंने क्या बताया था आपको, पर्सन में। तो आपने देखा एप्पल, कैट एंड मदर तो सभी आ गए नेमिंग वर्ड्स में, बट राइट कोई भी नेमिंग वर्ड नहीं है, तो हम किस पर सर्कल करेंगे, राइट पे, ऑल राइट। नेक्स्ट काओ, फ्रेंड, टेल, मैंगो। काओ एनिमल है स्टूडेंट, फ्रेंड पर्सन में आ जाएगा, मैंगो फ्रूट है जो थिंग में आ जाएगा, बट जो टेल है वो कुछ कुछ भी नहीं है इनमें से, है ना। वो चार कैटेगरी जो मैंने आपको बताई है उनमें से कुछ में भी नहीं आता, किसी में नहीं आता, इसलिए टेल पर हम सर्कल करेंगे, ऑल राइट। थर्ड बैंक, देन रिवर, बाग, टाइगर। बैंक प्लेस होता है स्टूडेंट, वर्क प्लेस होता है। रिवर ये भी आपका प्लेस में आ जाएगी। देन टाइगर इट इज ऑल्सो अ नेमिंग वर्ड, एनिमल में आता है ये, बट बाग कुछ भी नहीं है इनमें से, तो हम बाग पर सर्कल कर देंगे। फोर्थ पैन, थिंग है, टमाटो ऑल्सो थिंग, पैरट इज अ एनिमल, एनिमल कैटेगरी में आएगा स्टूडेंट ये, बट वी इनमें से किसी कैटेगरी में नहीं आएगा, सो हम वी पे सर्कल कर देंगे। फिफ्थ है आपका, देखिएगा रोज, थिंग में आ जाएगा स्टूडेंट्स। कार इट इज ऑल्सो अ थिंग, सिंग इनमें से किसी कैटेगरी में फिट नहीं होता, बट जो लायन है वो एनिमल में काउंट होता है, तो हम किस पे सर्कल कर देंगे, सिंग पे। नेक्स्ट सिक्स्थ है आपका बॉय, बॉय क्लियर है, पर्सन क्वीन इट इज ऑल्सो अ पर्सन। रोड प्लेस में आ जाएगा, बट ईट किसी में नहीं आएगा, तो हम इस पे सर्कल कर देंगे। लास्ट आपका सेवन्थ है ड्रिंक, ड्रिंक किसी में नहीं आता है स्टूडेंट्स, तो क्लियर है इसी पे सर्कल होगा क्योंकि ये किसी में नहीं आता, बट और भी देख लेते हैं, इनको भी एक्सप्लेन करते हैं। गर्ल पर्सन में आएगी, कैरेट थिंग एंड हर्ट प्लेस में आएगा, ठीक है ना। तो ड्रिंक इसमें अलग हुआ, तो इसमें हम ड्रिंक पर सर्कल कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका ये बी है जो एक्सरसाइज, ये भी कंप्लीट होती है। नाउ एक्सरसाइज सी, नेम द फॉलोइंग पर्संस, आपको इन पर्संस के नेम बताने हैं, जो आपको एज अ वन वर्ड बताना है स्टूडेंट्स इनका। फर्स्ट ही मेंट्स अवर शूज, ये हमारे शूज बनाता है, कौन बनाता है, कॉबलर, ठीक है ना, जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं मोची, स्पेलिंग सी ओ डबल बी
एलिया कॉबलर. सेकंड शी टीच अस कि हमें पढ़ाता है. कौन पढ़ाता है हमें? टीचर. स्पेलिंग टी ई ए सी एच ई आर टीचर. थर्ड ही सिंग्स सॉन्ग्स. सॉन्ग कौन गाता है? सिंगर. तो स्पेलिंग क्या होगी? एस आई एन जी ई आर सिंगर. स्टूडेंट्स हमें सबके वन वर्ड्स बताने हैं. फोर्थ ही मेक्स फर्नीचर. फर्नीचर कौन बनाता है? कारपेंटर. स्पेलिंग सी ए आर पी ई एन टी ई आर. फिफ्थ है आपका ही एक्ट्स इन मूवीज. मूवीज़ में कौन है एक्ट करता है? आप सभी को जानकारी होगी इसकी. दो एक्टर. स्पेलिंग होती है इसकी स्टूडेंट्स ए सी टी ओ आर एक्टर. सिक्स ही स्टिच क्लोथ्स. क्लोथ्स कौन स्टिच करता है? कौन सिलता है? टेलर. स्पेलिंग टी ए आर एल ओ आर. ऑल राइट स्टूडेंट्स. नाउ डी क्वेश्चन है आपका. ऑल द वर्ड्स गिवन बिलो आर नाउन्स. सभी आपको जो ये वर्ड्स दिए हुए हैं ना ये येलो कॉलम जो बना के इसमें सभी वर्ड्स जो हैं वो नाउन हैं. पुट द वर्ड्स अंडर द करेक्ट कॉलम. आपको ओनली आपको देखो ये कैटेगरीज दे रखी हैं कॉलम्स दे रखे हैं पर्सन प्लेस एनिमल एंड थिंग्स के. आपको राइट प्लेस पर उसको राइट डाउन करना है. फर्स्ट वाला मैं क्लियर कर देती हूँ. देखिए फर्स्ट रो में बॉय. बॉय किस में आता है स्टूडेंट्स? पर्सन में. सो हम इसे पर्सन्स वाली कैटेगरी में कॉलम में राइट डाउन कर देंगे. ठीक है ना. नेक्स्ट है कप. कप किस में आता है स्टूडेंट्स? पर्सन में तो नहीं आता. एनिमल भी नहीं है प्लेस भी नहीं है तो ये क्या है? थिंग है. हम इसे थिंग्स वाले कॉलम में राइट डाउन कर देंगे. नेक्स्ट डॉग. डॉग है एनिमल तो एनिमल वाले में कॉलम में हम राइट डाउन करेंगे. नेक्स्ट एप्पल. एप्पल क्या है? थिंग. तो हम इसे थिंग्स वाले कॉलम में राइट डाउन कर देंगे. ऑलराइट स्टूडेंट्स. इसी तरीके से जो बाकी के हैं वर्ड्स आप इसमें आप देखिएगा किस में आएगा और आप सेल्फ कीजिएगा स्टूडेंट्स ताकि आपको नाउंस को क्लियर करना आ जाए. आपको आपका कॉन्सेप्ट जो क्लियर हो कि नाउन क्या होता है और कौन सा नाउन किस में आएगा. ठीक है. एंड आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेरी वेल. स्टूडेंट्स ये वाला सेल्फ कीजिएगा. पीडीएफ आपका इसके वीडियो के नेक्स्ट आपको पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा. तो जिस स्टूडेंट ने इसको किया हो इस एक्सरसाइज को वो उसमें मैच कर ले. अगर कोई मिस्टेक हो तो करेक्शन कर ले. और जिसने बिल्कुल भी ना किया स्टूडेंट वो इसमें से पीडीएफ में से देख के इसको राइट डाउन कर ले. बुक में ही फिल करनी है स्टूडेंट्स सारी एक्सरसाइज इसकी. अगर आपकी नोटबुक में करनी होगी तो मैं आपको उसमें वीडियो में बता दूंगी किस में करना होगा. ठीक है. अभी आपको बट ग्रामर बुक में ही राइट डाउन करनी है इनको. स्टूडेंट्स मैं तो ये चाहूँगी सभी स्टूडेंट्स करें. तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको करने की कोशिश कीजिएगा. ऑलराइट स्टूडेंट. सो टिल देन टेक केयर. थैंक यू.